मेरी बहू रानी ने मेरे को गिफ्ट दिया है। बाबू तूने क्या दिया है? गाइज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज है आज है मदर्स डे और मैं अपनी सासू माँ यानी मेरी मम्मी जी के लिए कुछ स्पेशल करने वाली हूँ, तो काफ़ी मजा आने वाला है इस ब्लॉग में, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी सबसे पहले मेरे मन में आ रहा है आइडिया क्या करें, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो देखते हैं अब हम करते हैं स्टार्टिंग। के बारे में ना मैंने ना इनको भी नहीं बताया है, तो ये मैं अकेले करने वाली हूँ अभी। तो अभी अचानक से तो मैं बाहर जा नहीं सकती, मेरे पास कुछ गिफ्ट मतलब पैकिंग के लिए और डेकोरेशन के लिए कुछ थोड़ा बहुत कुछ है, उसी से मैं करने वाली हूँ। तो ना मैं इसमें चेक कर रही हूँ क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि ना इस टाइम मैं मार्केट भी नहीं जा सकती क्योंकि बज चुके हैं 6 बजने वाले हैं शाम के। तो अभी देखती हूँ खोल के इसमें कुछ मिल जाता है। तो भैया मार्केट तो मैं जा नहीं सकती और मेरे पास डेकोरेशन के लिए वैसे कि छोटा सा ही है, इससे क्या डेकोरेशन होगा। चलो करते हैं कोशिश। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपू ने ना के लिए पन्नी तो मेरे को मिल गई है, शुक्र है घर पे मिल गई, मुझे बाहर जाना नहीं पड़ेगा अब तुरंत। और ये काफ़ी बड़ी पन्नी है, इससे काफ़ी अच्छी रैपिंग हो जाएगी, कैची लेकर आती हूँ। शुरू करते हैं, सबसे पहले ये पैक करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या पैक कर रही हूँ। इसमें मैंने ये सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तो मैं तो एक्सपर्ट हुई, मैंने मस्त पैकिंग कर ली, मस्त है ना। फूल हो गया, सारी चीजें कर ली, गिफ्ट भी पैक कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन केक तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। 6 बज चुके हैं और अब मैं केक ऑर्डर करूंगी 7:30 बजे तक। अब ना मैं ना इस दीवार को डेकोरेट कर रही हूँ, यहाँ पे लिखूंगी मॉम, बड़ा मस्त लगेगा। पे इतना ही मैंने छोटा किया है, फिर ये मैं ना ये थोड़ा बहुत ठीक कर दिया, मॉम लिख दिया, बस यहाँ तक मैंने कर दिया है और बाकी देखते हैं। अब बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश वाला, पर गर्मी बहुत है। अभी कायरव को तो नीचे से ले आई हूँ, सारी तैयारी हो गई है, बस दाल की कचौड़ी बनाऊँगी, सांस चल रही है मेरी तो। क्या हो गया? बस कायरव का डर है, इसका डर ये है कि ये ना फाड़ दे, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कायरव का थोड़ा, क्योंकि ये बहुत शरारती बच्चा है। हो ना आप शरारती? देखो कहाँ बैठ के चढ़ के खा रहा है, ये कहाँ बैठे हो आप, हाँ कहाँ बैठे हो, क्या खा रहे हो, क्या चीची खा रहे हो, दिखाओ क्या चीची खा रहे हो। पाठा, ये पाठा है, नमकीन है, क्या खा रहे हो, नमकीन, क्या खा रहे हो। तो गाइस मम्मी जी आ चुके हैं और उन्होंने ये देख लिया है, पर मैं वो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो पहले एंट्री कर गए। मेरे सरप्राइज का तो पोपट हो गया। देवा उठा ले रे बाबा। ना आलू की सब्जी बना दी, आलू मटर बनाया है और आटा भी मैंने करके रख दिया है। आलू की सब्जी, आलू मटर की सब्जी और दाल की कचौड़ी मैं बनाने वाली हूँ, बड़ा मज़ा आएगा खाने में, बहुत टेस्टी बनाऊँगी मैं। खुद की तारीफ खुद कर ली। तो गाइज रात हो चुकी है और मम्मी जी भी आ चुके हैं और अब हम काटने वाले केक, मम्मी जी आकर बैठ चुके हैं और केक रखा है, इसको खोल के काट देंगे। हाँ नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मदर्स डे आप मम्मा को क्या दोगे? बॉल दे को। बॉल देगा ये हमें। तो केक काटेंगे, कर स्माइल। रुको केक खानी है ना, तो मम्मा की सारी बात सुन लो। खल के देखा, मामा को गिफ्ट दे दिया मैंने,
तेरे भर का रिश्ता ना कोई। क्यों लाई थी? लाई नहीं, उधर पहुंच के बोल रही थी कि नहीं लाई, घर से दे दिया। चीटिंग 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 करता है तू। अब देखो मेरी बहू रानी ने मेरे को गिफ्ट दिया है। मेरी बहू रानी नहीं है, मेरी बेटी है ये। अयो मम्मा को गिफ्ट दे रही है। मम्मा गिफ्ट खोल के देख रही है क्या दिया है मेरी बेटी ने। साथ में मेरा पोता भी है देखो। और ये मेरा पोता भी। बाबू तूने क्या दिया है? तूने क्या निकाल के दिया है? मेरे दिमाग घूम गो, इतना बड़ा गिफ्ट क्यों लाए हो? और भी बंदे। मेरा बेटा तो अपने लिए लाई है। मैं लेती अच्छी लगूं तो देती अच्छी लगूं? आप मुझे दे देना जब आपका मन करे दोबारा। तेज हो रहे हो हैं? आप मुझे डॉटर्स डे पे दे देना। ये हमारी, ये मेरी तरफ से है आपके लिए। तेरे कह रही हूँ मैं, इतना खर्च क्यों उठावती है बता? हम मैं मेरा तेरे किसी की बात है? हम तो हैं तो हम यही तो है। मैं अपने घर में तो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। तो गाइस इसमें बस साड़ी है और अभी है मुझे आगे करना है। तो गाइस खाना रेडी है, दाल की कचौड़ी, आलू की सब्जी, आमी मिर्च। अब हम सब खाना खाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। नहा के बस चेंज किया है और रात भी काफ़ी हो चुकी है, अब बस मैं सोऊंगी। और दूध भी उबल गया है कायरव का, इसको बंद करके बस अब सोऊंगी। किचन भी फैल रहा है थोड़ा सा, बर्तन वर्तन करके सो जाऊंगी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।